गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12, बड़े काम का थैला। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग थैले के बारे में पढ़ेंगे। थैला मतलब बैग। आप लोगों को शायद याद ना हो, लेकिन जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए थे तब तक की बात है कि जो बैग हम लोग यूज करते थे, जो थैला हम लोग यूज करते थे उस समय, वो पॉलिथीन का नहीं होता था। उस समय हमारी माँ और सब स्त्रियां मिलकर घर में ही बैग बनाती थी, जिसे लेकर सभी बाजार जाते थे और सामान उसमें रख कर लाते थे। यह पॉलिथीन का चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। और इसका क्या अंजाम है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। ये एक पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते जा रहा है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो ऐसा माना जा रहा है कि पूरी पृथ्वी इन पॉलिथीन बैग से ढक जाएगी। और ये केवल हम लोग के लिए ही नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से गलते नहीं है, इनका क्या कहते हैं, जल्दी ये मिट्टी में मिलते नहीं है, तो इनका विघटन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए पहले तो इसका यूज होता ही नहीं था, उपयोग होता ही नहीं था। लोग कपड़े के थैले का प्रयोग करते थे। और वो कपड़े का थैला कैसे बनता था? घर में जो पुराने कपड़े रहते थे उनसे उनको काट छांट कर उनको नया रूप दिया जाता था। लेकिन अब इसका चलन खत्म हो गया है। और आइए पहले इस पाठ को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं, फिर आगे इस पर हम लोग और बात करेंगे। बच्चों यह पाठ बड़े काम का थैला एक चित्रकथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चित्रकथा अर्थात चित्र बनाया गया है और फिर उसका जो वार्तालाप है वो बतलाया गया है। तो देखिए यहाँ दादाजी है और ये अर्पण और ये प्राची। आइए हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है इस पाठ में। आप सामान लाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं? बाजार में सबसे ज्यादा किस तरह के थैले मिलते हैं? पॉलिथीन के थैले हमारे लिए कैसे हानिकारक हैं? उनके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचो, आज बहुत दिनों बाद धूप चमकी है। दादाजी धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। अर्पण और प्राची की बड़े दिन की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वे पास में खेल रहे हैं। अर्पण, प्राची तैयार हो जाओ, ताजी सब्जियां और फल लाने बाजार जाना है। और हाँ, अपनी दादी जी से सामान की सूची और थैला भी ले लेना। जी दादाजी। दादाजी सप्ताह में 2 दिन बाजार जाते हैं। ताजे फल और सब्जियां वे खुद ही चुनकर लाना पसंद करते हैं। यह लो थैला और सामान की सूची। अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर थैले दादी जी। उनमें से एक सुंदर थैला लेकर अर्पण और प्राची दादाजी के साथ बाजार चल दिए। हाँ भाई हाँ, इसलिए हम अपने साथ कपड़े का थैला लेकर आए हैं। अपना थैला साथ लाएं, पॉलिथीन के थैलों का प्रयोग न करें। दादाजी, सब्जी वाले ने बोर्ड पर यह सूचना क्यों लगाई है? प्राची, पॉलिथीन कभी नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। एक तो इसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं, वहीं दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलिथीन पौधों को भी बढ़ने नहीं देते, और हाँ, जानवर भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। दादाजी, तो हम पॉलिथीन से पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? इसका कम और सही इस्तेमाल करके। पर कैसे दादाजी? सामान लाने के लिए हमेशा कपड़े, जूट या कागज के थैलों का प्रयोग करें। ये प्रकृति के दोस्त हैं। छिलके, पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलिथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरे के डिब्बों में डालें। अलग अलग क्यों?
छिलके तो जानवरों के खाने और खाद बनाने के काम आ जाते हैं, और प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि दादी जी कपड़े के ही थैले क्यों रखती है। शाबाश बच्चों, चलो तुम्हारी दादी इंतजार कर रही होंगी। एक आइडिया आया, मैं माँ से कहूंगी जूट कपड़े और कागज के थैले बना दे, हम अपनी सोसाइटी में दिवाली मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को इनके फायदे बताएंगे और इस सब्जी वाले की तरह पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे। क्यों दादाजी? ये शब्दार्थ है सूची लिस्ट, सूचना जानकारी, नष्ट खराब, पर्यावरण चारों ओर का वातावरण, नुकसान हानि, इस्तेमाल उपयोग। श्रुत लेख जिसे हम लोग वर्तनी अभ्यास के अंतर्गत लिखते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सा शब्द है इसमें। मिट्टी, पॉलिथीन, इस्तेमाल, सप्ताह, सब्जियां, छुट्टियां। तो देखा बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पॉलिथीन का प्रयोग रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए बिल्कुल, और उसकी जगह कागज जूट कपड़े का थैला प्रयोग में लाना चाहिए, और कचरे को भी हम लोग दो जगह रखकर उसका भी हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो कच्चा कचरा जिसे कहते हैं, जैसे छिलके, फल के छिलके, इन सब का, सब्जी का छिलका, इन सब को क्या करेंगे, अलग डस्टबिन में रखेंगे जो जानवरों के खाने के भी काम आ सकते हैं और जो मिट्टी में मिलकर खाद भी बना सकता है। दूसरी जगह जैसे प्लास्टिक और अन्य जो कचरा है उसे हम लोग अलग रखेंगे जिसका रिसाइकलिंग होकर फिर से एक नया वस्तु बन जाए। तो इस तरह से हम अपने पर्यावरण को की रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं ये होने से, हानिकारक पदार्थों से। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इस पाठ से जो भी प्रश्न उत्तर है। सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न उत्तर को करेंगे। मौखिक में तीन प्रश्न है, आइए देखते हैं कौन कौन सा। पहला प्रश्न है, दादाजी ने बच्चों से क्या क्या लेने के लिए कहा। दादाजी ने बच्चों से सामान की सूची यानी लिस्ट, सामान की सूची और थैला लेने के लिए कहा। प्रश्न ख है, आपके घर में फल और सब्जियां कौन लाता है। बच्चों इसका जवाब आप खुद लिखिएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बतला रही हूँ। आपके घर में जो भी फल या सब्जियां लाते हैं आप उनका नाम लिखिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं जानती है किसी घर में मम्मी लाती है, किसी घर में पापा लाते हैं। यहाँ जिसके घर में जैसा हो, आपके घर में फल और सब्जियां कौन लाता है, मेरे घर में फल और सब्जियां पापा लाते हैं, या मेरे घर में फल और सब्जियां दादाजी लाते हैं, या मेरे घर में फल और सब्जियां मम्मी लाती है। तो आप इस तरह से यहाँ खुद से इसका जवाब लिखिएगा। प्रश्न ग है, कहानी का नाम बड़े काम का थैला क्यों रखा गया है। कहानी का नाम बड़े काम का थैला इसलिए रखा गया जिससे हम सब जूट कपड़े या कागज से बने थैले का महत्व समझ सके कि उस थैले का कितना वैल्यू है। अगर हम अपने पास बाहर जाते समय एक थैला रखें तो क्या होगा, हम पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे और ये पर्यावरण के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा अपने पास जब भी आप बाहर जाएं अपना थैला अपने साथ लेकर जाएं। तो आज बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम लोग प्रश्न उत्तर लिखित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।